सो हाय गाइस, आ गया हूँ ब्रांड न्यू ग्रैनी वीडियो के साथ। सो भाई, आपके भाई को बड़ा ही ट्रोल किया जा रहा था और जो है कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। सो आपका भाई ये ग्रैनी वीडियो लेके आ चुका है, और क्या लगता है कि आपके भाई ने किया होगा स्केप या नहीं? और भाई, मैंने एक ही बारी में इसी वीडियो में 2 बार स्केप किया है, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को, तुम लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा। सो जो भी ट्रोल कर रहा था ना, तुम सारे के सारे, ये सब सब के सब को भाई, अब तुम्हारा भाई करने लगा है सरप्राइज, क्योंकि तुम्हारे भाई ने स्केप मार चुका है। लेकिन 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 यहाँ पर तुम्हारे भाई के साथ एक सीन भी हो चुका है जो कि बहुत ही गलत है। सो वो तुम लोग जब वीडियो देखोगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ यार, लेकिन बहुत ही गलत हुआ। सो जस्ट आप तुम लोग वीडियो में एंजॉय करना। यहाँ पे यार फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता था, चलो तुम लोग देख रहे होगे कि भाई मेरे पास सारा सामान है, शॉटगन मेरे हाथ में है। सो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि सीन क्या है, तुम्हारा भाई कितनी जल्दी स्केप करने लगा है। और सबसे फास्ट स्केप है ये ग्रैनी का। ये देखो, ग्रैनी को भी मार डाला मैंने, ग्रैंड पा को भी बुलाया जा रहा है यहाँ पे, और ग्रैंड पा भी आ जाएगा, तो दोनों ही बूढ़ी बुढ़ा को हम यहीं पे सुला देंगे, क्या कि इनकी जो है रूह को सुकून मिले और हमें भी सुकून मिले हमारे सब्सक्राइबर्स से, जो कि बहुत ट्रोल किए जा रहे थे। तो भाई मैंने यहाँ पे लगा दिया है हैंडल, बोर्ड हैंडल, और भाई इसके बाद मैं यहाँ पे भाई बोर्ड की भी उठा के फ़ौरन इसमें ड्रॉप कर देता हूँ, और यहाँ पे आके भाई फटाफट जो है अब मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ ये स्पार्क प्लग। अब स्पार्क प्लग जैसे ही लगाता हूँ तो भाई फ्यूल भी चाहिए, सो हम फ्यूल भी उठाएंगे अभी। सो फ्यूल भी ले लेता हूँ। सो भाई अपना बोर्ड स्केप डन है यहाँ पे। तो कैसा भाई, हो गया ना शॉक एकदम? भाई मैंने क्या कहा था कि भाई मैं 2 स्केप करने वाला हूँ, लेकिन 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 अब यहाँ पे हो जाता है बड़ा इंटरेस्टिंग सीन। और शुक्र है कि फ्यूल कैन यहाँ पे आ जाता है, देखो पैड लॉक की ही नहीं होती मेरे पे। सो ये प्रैंक हो जाता है, मैं पूरे मैप में ढूंढ लेता हूँ, मेरे को पैड लॉक की नहीं मिलती। सो अब यहीं से, यही वीडियो है, यही गेम से कंटिन्यू करेंगे, कुछ मैंने जंप स्केप डाले हैं। सो डे 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग दोबारा। अब भाई हम लोग सो के यहाँ उठ चुके हैं। सो अब देखते हैं कि आपके भाई क्या करता है यहाँ पर। सो तुम लोगों, मेरा लक तो पता ही है, किस्मत, यू नो, वेरी हैवी किस्मत ऑफ SZOOIT। सो लेट्स गो। यहाँ पे दरवाज़ा खोल के भाई हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं तुम लोगों को थोड़ा सा करके दिखाऊंगा सीन की मेरे को कहाँ से क्या चीज़ें मिली थी। सो अब यहाँ नीचे आ चुके हैं हम लोग बेसमेंट में। बेसमेंट में आके हमें ग्लास फ्यूज़ मिल चुका है जो कि बेस्ट है हेलीकॉप्टर स्केप के लिए। सो अब मैं इसको यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा से कोशिश करूँगा कि वेस्ट ना करूँ टाइम, लेकिन यार जो कि इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें वो तो दिखानी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं कट तो इतना नहीं कर सकता कि शॉर्ट वीडियो तो है नहीं। ले भाई यहाँ पे अब मैं अदर यहीं पे चीज़ें फाइंड कर रहा होता हूँ कि अगर मेरे को शायद मिल जाए यहाँ से, लेकिन भाई यहाँ पे ग्लास फ्यूज़ के अलावा कुछ भी नहीं होता। सो अब मैं यहाँ वेट कर रहा होता हूँ, शायद ग्रैनी या ग्रैंडपा ना आ जाए, और सेम ऐसा ही होता है। और भाई मैं इतना फास्ट आगे जा रहा होता हूँ, फिर भी जो है अपनी छड़ी से मुझे पकड़ के मार देता है। कोई बात नहीं, Day 2 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या ही सीन होते हैं, तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, सो मैं यही कहूँगा कि भाई उनको तो पता है कि मेरे साथ क्या होता है, लेकिन जो अभी नए आएंगे, सो देखते हैं यार, तुम लोग भी इंजॉय करो कि मेरे साथ किस्मत चेक करना बस मेरी क्या क्या होता है मेरे साथ। चलो लंगड़ाते लंगड़ाते मैंने यहाँ पे दोबारा से जो है यहाँ पे हमें ग्लास फ्यूज़ जो है पिक कर लेता हूँ। अब जो है यहाँ पे भी सही, अब मैंने यहाँ से कर दूंगा कट। सो अब देखो, ये कट करना ज़रूरी था क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होती थी, कभी कभार चीज़ें नहीं मिलती हैं। सो अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को दिखाता हूँ कि सीन हुआ क्या था मेरे साथ। और ये देखो, मेरे पास फिर से शॉर्ट गन है, तो मैंने वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये मैं पहले ही, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया स्टार्ट में वीडियो में, इसलिए दिखाया है कि ये सब चीज़ें क्यों ऐसे पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोर्ड स्केप कर रहा था, लेकिन वहाँ पे पैडलॉक की बिल्कुल भी नहीं मिली थी, यानी कि इस वाले में पैडलॉक की अवेलेबल ही नहीं थी। सो स्केप किसी और चीज़ से ही करना था, या तो हेलीकॉप्टर या तो डोर थ्रू। सो अब मैं यहाँ पे चीज़ें ढूंढ रहा हूँ हेलीकॉप्टर स्केप के लिए। सो हमारे को उसके लिए चाहिए हेलीकॉप्टर की, सही है, और हेलीकॉप्टर के लिए हमें चाहिए होता है डक टेप।
और जो है पेंटिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि पीस ऑफ पिक्चर्स जब लगेंगी तो वो डोर खुलेगा। वो भी हमें नीड होती है तीनों पीस की। अभी जो है मैं यहाँ पे देखते हैं अभी हमें क्या मिलता है। अभी यहाँ पे शूट करूँगा इसको। चैनल पे जो भी नया आ रहा है काइंडली डू लाइक द वीडियो यार, और शेयर भी कर देना फ्रेंड्स के साथ। इस पर भी ज़रा सपोर्ट दिखाओ। ग्रैनी वन भी स्केप करेंगे, लेकिन अभी तक मेरे से ग्रैनी वन हुआ नहीं है। ग्रैनी थ्री आएगा, उसके बाद हम ग्रैनी वन पे हाथ डालेंगे। अभी यहाँ पे मैंने दोबारा शॉर्ट गन एमो उठा लिया, और देखो मैंने डक टेप यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही ला के रख चुका हूँ। अब मैं जाऊँगा दोबारा नीचे और देखो किस्मत मेरी, इसे कहते हैं हैवी 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 वाली किस्मत। जो के मेरे पास ही है, डे फोर आ चुका है। तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग बोलोगे अबे क्या यार फिर से दोबारा ये डे फाइव जाएगा फिर, और फिर डे वन पे लग रहा है जाके करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी किस्मत थोड़ा साथ देने वाली है मेरा। क्योंकि भाई मैंने तुम लोगों को क्या बताया, कभी आप उम्मीद मत हारा करो। ट्रोल तो यार मज़ा ही आता है एक किस्म का, क्योंकि अगर आपके सब्सक्राइबर्स ही ट्रोल कर रहे हो हाँ तो, लेकिन ये कि बंदा कभी फर्स्ट एड भी हो जाता है कि यार इतना इतना भी मत करो, इतना इरिटेट मत करो। सो मैं यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाता हूँ और जो है इनको बुढ़ी बुढ़ा को यहाँ पे बुला लेता हूँ, ग्रैंडी और ग्रैंडपा को, कि भाई यहाँ पे जो है ना आ जाएं ये दोनों और मैं इन दोनों को लॉक कर दूँ। अब जस्ट इनका वेट करेंगे। ग्रैंडपा तो भाई पहली फुर्सत में, इसके कान बहुत तेज हैं तो ये पहली फुर्सत में आ जाता है। ग्रैनी भी आ जाती है, तो ग्रैनी भाई जैसी जा रही होती है तो भाई मैं इसको भी इसके साथ लॉक कर देता हूँ। भाई दोनों लॉक्ड हैं हाँ, लेकिन अब ये लोग इंजॉय करेंगे, क्योंकि यू नो इनको बहाना मिल गया कि मैंने इनको लॉक किया, लेकिन अब ये लोग बूढ़ी बूढ़ा इंजॉय करेंगे। इनकी उम्र में इनसे होगा भी क्या, खैर छोड़ो। यहाँ पे भाई अब मैं ढूंढ रहा हूँ चीज़ें फटाफट, क्योंकि भाई मैंने बोला सिर्फ मेरे पास 10:32:01 है, मतलब 30 सेकेंड टू 1 मिनट। वेब हेलीकॉप्टर की मेरे को मिल चुकी है, जो कि बेस्ट हो गया हेलीकॉप्टर स्केप के लिए। मैं फिर भी यहाँ नीचे आके चेक कर रहा होता हूँ, कि मैं नहीं चाह रहा होता कि यार जो है ना बिल्कुल भी अब मैं मिस करूँ और मैं स्केप करूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे अटैम्प्ट किए थे। उसमें से एक ये अटैम्प्ट जो है मेरा कंप्लीट हुआ है। अब देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सीन सारा, क्योंकि यू नो बहुत हैवी किस्मत है मेरी। अब यहाँ पे भाई हम लोग वेपन जो है ये हेलीकॉप्टर की है ना जो हमारी, यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा मेरी आदत है कोई भी चीज़ मेरे को मिलती है तो देख लो, मैंने यहाँ पे पीस ऑफ पेंटिंग वगैरह भी जमा करके रखी है पहले से ही। ऐसे ही है, मैंने कहा था कि कुछ वीडियो मैं स्किप करूँगा, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई थी, क्योंकि मैं इतना प्रो प्लेयर नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना उस पर फोकस वगैरह नहीं किया था। मतलब गेम खेलने से पहले जो है मैं नहीं देखता, एक होता है ना बिल्कुल प्रो प्लेयर बन के आ जाते हैं फिर दिखाते हैं मैं फ़र्स्ट टाइम खेलो, ना भाई ऐसा सीन नहीं करता मैं। जो फर्स्ट टाइम है सो फर्स्ट टाइम ही है वो, तो प्रो प्लेयर बन के आना मेरे को सही नहीं लगता ऐसे। हाँ कि वहीं पे करो तो पता चले, और फिर भी अगर आप विन कर रहे हो तो क्या ही बात है। अब मैं दोबारा यहाँ पे बुढ़ी बुढ़ा का वेट कर रहा होता हूँ। यहाँ अब ये ग्रैंड, और भाई मैं ग्रैनी को तो भाई यहाँ पे लंबा लिटा देता हूँ। सही है भाई कि भाई इसके लिए भी इस उम्र में नींद बहुत ज़रूरी है, यू नो ये बूढ़ी हो चुकी है यार बिल्कुल आधू की तरह, बिल्कुल बुढ़ी बुढ़ी सी हो गई है ये अभी से ही। अब मैं यहाँ पे देख रहा होता हूँ कि भाई ग्रैंडपा कब आएगा, वो ऑस्ट्रेलिया वाला मतलब मैं क्या ये बोल रहा हूँ छोड़ो। खैर मैं इंतज़ार कर रहा होता हूँ और देख रहा होता हूँ यार इसका, कि भाई किधर है बुढ़ा, और मैं चीज़ें भी ढूँढ रहा होता हूँ भाई। तभी बुड्ढे की एंट्री होती है यहाँ से। इसको भी 2.5 मिनट के लिए दोनों को सुला देता हूँ, रेस्ट एंड पीस कर देता हूँ। भाई अब जो है अपना भाई यहाँ पे दोबारा काम शुरू कर देता है भाई, मैं चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ हेलीकॉप्टर की, और डक टेप तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमें चाहिए पीस ऑफ पेंटिंग से यहाँ पर लगानी है। शॉर्ट गन में फ़ौरन यहाँ पर फेंक देता हूँ, क्योंकि मैं आगे वो लॉक कर जो किया हुआ है, और उसको मैं दोबारा से वो गेट खोल सकूँ, क्योंकि आगे भी स्टेप्स हैं, क्योंकि ग्लास फ्यूज़ भी वहाँ पे लगाना है और वहाँ पे हमें नीड है और फ्यूल वगैरह की। लेकिन अभी अभी मेरे, क्योंकि देखो यार फर्स्ट टाइम जो खेलता है तो आप उसका फील समझ ही सकते हो। सो मैं यहाँ पे चीज़ें कलेक्ट पहले ही ऊपर कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ऊपर ले आऊँ ईजी कर सकूँ, और मेरे को बार बार नीचे ना जाना पड़े और पता नहीं कैसे स्लिप हो गए दोबारा नीचे गिर जाता है। अच्छा अब देखो मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, अब मैं पीस ऑफ पेंटिंग का मैं यहाँ पर लगाऊँगा। और दूसरी बात यार ये कि मतलब यहाँ पे मैं तो ये सब कर ही रहा हूँ।
बाकी भी वीडियोस पे सपोर्ट दिखाना, और जो है आगे भी इसकी सीरीज आएंगी ज़रूर। और तुम लोग बताओ तुम लोग की फेवरेट हॉरर गेम मोबाइल वाली कौन सी, क्योंकि मैं अभी उसे मोबाइल गेम्स ही खेलता हूँ। सो आप लोग अगर बताओगे, सजेस्ट करोगे, सो हो सकता है मैं वो भी ट्राई करूँ और उसकी भी वीडियोस बनाऊँ या लाइव स्ट्रीम करूँ। सो ज़रूर खेलेंगे वो भी। सो आप लोग बताना आपकी कमेंट में फेवरेट गेम कौन सी है, सो मैं ज़रूर खेलूँगा। सो अब यहाँ पे भाई मैंने शॉर्ट गन की ना एमओ निकाल ली, मैंने यार नीचे तो एमओ मिलनी नहीं है, तो शॉर्टेज हो जाती है। सो अब मैं दोबारा यहाँ पे जंप करता हूँ। अब देखो यहाँ पे भाई मैं चीज़ें दोबारा ढूंढने जा रहा हूँ, मेरे को याद आया कि यार ग्लास फ्यूज़ भी लाना था। सो अब मैं यहाँ पे दोबारा चीज़ें चेक कर रहा हूँ, अलमारी भी खाली है यार, कोई फ़ायदा नहीं, क्रोबार मेरे पे था नहीं, पूरे गेम में क्रोबार मिला नहीं। अगर शायद क्रोबार मिल जाता तो शायद काम बन जाता, पैडलॉक की इनमें से ही होती। कभी कभार इस गेम में ऐसा लगता है कि यार कि आपको जो है ना ये जीतने देंगे ही नहीं भाई, किसी सूरत भी जीतने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा जो है कि मैंने अलमारी वाली चेक मारी, वेंच मेरे किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं कि मैं वहाँ आगे लेने जाऊँ। सो मैं यहाँ पे ड्रॉ चेक कर रहा होता हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं मतलब क्लियर कर रहा होता हूँ कि कोई चीज़ मैंने मिस तो नहीं कर दी है कहीं। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे को भाई। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, सो मेरी नज़र पड़ती है ग्लास फ्यूज़ पे। सो भाई मैं पहली फुर्सत में इसको पिक कर लेता हूँ और फौरन भागता हूँ ऊपर की तरफ। अब देखो मेरे काम चेक करना है यहाँ पे। अब जो है सामने से ग्रैंडपा आ रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे निंजा टैक्टिंग लगा के उसको चकमा देता हूँ, और जैसे ही चकमा देता हूँ भाई डंडा घुमा के यहाँ से दे देता है दूसरी गेट से। भाई बूढ़े के कान बहुत तेज़ है, मेरे को फिर से नौ इसने भाई जो है सुला डाला 5वें दिन के लिए। सो भाई अपना लास्ट डे, क्या लगता है गाइस तुम लोग को ये हो पाएगा कि नहीं? सो लेट्स गो दोबारा से, क्योंकि अब हमें सिर्फ ग्लास फ्यूज की जो है नीड है। सो अब हमें बस सेफली किसी तरह भी ऊपर जाना है और वहाँ पे जाके जो है अपना ये काम डन कर देना है। मैं इतना मतलब थोड़ा सा बंदा हो जाता है ना यार कि डर भर जाता है, तो चलो मैंने घबराहट में आके जल्दी में उधर आके खुद डोर लॉक कर दिया। सो कोई बात नहीं, हो जाता है यार। तो अब मैं दोबारा से फिर इनका वेट कर रहा हूँ कि यार अब ये दोनों आए, सो फिर मैं इनको लॉक करूँ तो मैं ऊपर की तरफ जाऊँ। सो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा सीन हो जाते हैं तो मैं बिल्कुल पेशेंस, अब था मैंने बोला भाई बिल्कुल क्लैम पेशेंस रखो भाई। और दोबारा से ये दोनों जा रहे हैं और मैं इनको कर दूंगा फिर से लॉक, बुढ़ा बुढ़ी फिर से इंजॉय करेंगे। सो मैंने इनको 2 बार इंजॉय करवाया, वैसे इंजॉय तो काफ़ी टाइम करवाया, लेकिन यहाँ पे 2 दफ़ा दिखाया, तो ये लोग भाई दुआएं ही दे रहे होंगे यार कि कमरा बंद कर दिया, फुल जो है चिल मस्ती करेंगे ये लोग। खैर अब शॉर्ट गन लेके मैं भाग रहा होता हूँ भाई यहाँ से, और ग्लास फ्यूज़ ढूंढूंगा। सो पहले मैं शॉर्ट गन को सेव करता हूँ कि भाई शॉर्ट गन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये बहुत काम आने वाली है आगे जाके भी, क्योंकि अभी मैंने उसको खोला नहीं था। ग्लास फ्यूज़ भी मेरे को दिख जाता है भाई, देखो मारा उसने वहाँ पे था और ग्लास फ्यूज़ पड़ा हुआ कहाँ पे। सो अपना अब काम हो गया है डन, ग्लास फ्यूज़ लेके ऊपर चढ़ता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे ही मैंने क्या कहा था, चीज़ें मैं इस तरह कलेक्ट करता हूँ, तो अब मेरे साथ होने वाला फिर एक और सीन। सो अब तुम लोग को आएगी हंसी। अब जो है यहाँ पे मैं अब शॉर्ट गन लेके चढ़ जाता हूँ ऊपर, शायद तुम लोग को आवाज़ आई हो कि ग्लास फ्यूज़ पे जो है पैर वैर लगा है, सो इधर उधर हुआ है। मैंने बोला कहीं नहीं जाता, कोई बात नहीं, खैर वही। अच्छा भाई अब जो है इधर मैं आके चाहूँगा, और ये जो पूरा पॉइंट्स लेने हैं अब यहाँ पे इन तीनों को खलास करना है। सो अब देखो आपके भाई का शॉर्ट गन स्किल 1-1 गिरा चुका हूँ भाई, यहाँ पे एक मिस कर दी है मैंने, मिस फायर हो गई, कोई बात नहीं, इतना तो बनता है यार, क्योंकि इसमें वो जायरोस्कोप वाला तो सीन है नहीं, नहीं तो इजी हो जाता। दूसरी भी कर दी, अब भाई आती है वाली तीसरी की, ये भी डन भाई। देखा प्रोनेस देख रहे हो, इतना सा डॉट है उससे भी भाई क्या ही प्रोनेस दिखा रहा हूँ मैं। देखो अपने स्किल्स, गन स्किल्स जो है यहाँ पे इन गेम, नॉट इन रियल लाइफ, बट ओके। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई क्लास फ्यूज़ किधर चला गया, ग्लास फ्यूज़ किधर है, फिर भी मैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर की उठा के ले आता हूँ। मतलब चलो पहले इसको तो सेव करूँ, वो पता नहीं किधर चला गया। सो अब मैं यहाँ पे भाई इसको शॉर्ट गन के पास ही ड्रॉप कर देता हूँ, मेरे को तो भाई यही यही मेथड सही लगता है अपना, कि भाई हाँ ये लॉजिक सही है, सारी चीज़ें पहले ला के जहाँ सा एस्केप होने वाला सीन है तो वहाँ पर कर लो,
अब मैं यहाँ पे नीचे देख रहा होता तो मैं पहले क्लियर कर रहा था कि ग्रैंडपा तो नहीं खड़ा होता, और मेरे को ग्लास फ्यूज़ भी नीचे दिख जाता है कि ये सीढ़ियों के पास खड़ा पड़ा हुआ है बिल्कुल ही। मैं दोबारा ऊपर चला जाता हूँ यहाँ से, और जैसे ही मैं यहाँ से फिर ऊपर आता हूँ तो भाई मैं अब ग्लास फ्यूज़ भी यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं एक दफ़ा इधर आया था सो मेरे को याद था कि उस वक्त मेरे पास ग्लास फ्यूज़ नहीं था, तो मैंने ग्लास फ्यूज़ के बगैर अटैम्प्ट किया था, तो भाई मैं नीचे गिर गया था। मतलब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, सो मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे आके क्या होता है, और मेरे को तो गेट कभी ये खोला भी नहीं था उससे पहले, तो ये सेकंड टाइम मैं यहाँ पे आया था। सो अब मैंने डक्ट टेप भी उठा ली है। अब मुझे नहीं पता था, लिटरली यहाँ पे नहीं पता था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे स्केप किया है ये वाला। सो अभी मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को सीन। मैं डर रहा था अभी भी यहाँ पे कि मैं डोर क्लोज और ये ओपन कर रहा था कि भाई आगे मैं गिर ना जाऊँ, देख लो। मेरा डर लगा हुआ था कि बस मैं यहाँ पे क्लियर होता है कि भाई हाँ यहाँ पे अब कुछ नहीं होने वाला, तो भाई मैं शॉर्ट गन लेके फिर भी आगे बढ़ता हूँ। मैंने ये ना बुढ़ा बुढ़ी सामने खड़े हुए, ग्रेनेड पड़े होते हैं भाई, क्योंकि बेस्ट सीन है। तो मेरा अभी तक इसका कोई यूज़ है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें तो हैं मेरे पे। सो अब जो है यहाँ पे आपका भाई, भाई जल्दी जल्दी जो है मैं चीज़ें लेके जाता हूँ। पहले तो डक्ट टेप लेके जाता हूँ, और कुछ पता नहीं होता लिटरली कि ये कहाँ लगना है, लेकिन फिर फाइनली 3-4 मिनट के बाद मेरे को पता चलता है कि इसको यहाँ पर लगना है। सो डक्ट टेप मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। बताओ यार, हेलीकॉप्टर के पर अब इससे भी जुड़ेंगे। सो खैर कोई बात नहीं, गेम है सो गेम में कुछ भी चलता है भाई। चलो अब इसी के साथ जो है ना, हम यहाँ पे ग्रेनेड देख रहा होता हूँ फिर से। यार इधर कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है ऐसी कोई चीज़ जो काम आएगी स्केप में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर की लेके मैं सोच रहता हूँ डायरेक्ट ही उड़ जाऊँगा। सो फ्यूं करके उड़ूँगा और डायरेक्ट भाई ग्रैनी ग्रैंडपा मेरी शक्ल देखते रह जाएंगे। अब मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ देखो, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा। अब मैंने बोला ये कौन सा नया मसला है भाई। कंटिन्यू प्रेस कर रहा था, फिर मैंने की भी यहीं पे गिरा देता हूँ, देखता हूँ कि क्या चक्कर है। यार बाद में पता चलता है कि भाई मैं इसका फ्यूल ही जो है, फ्यूल ही नहीं है मेरे पे। अब मैं गेट अनलॉक कर देता हूँ भाई, यहाँ से गेट ओपन करता हूँ, और भाई मैं देखता हूँ कि भाई अब फ्यूल भी नीचे लेके जाना पड़ेगा, मुझे नीचे फिर से जाना पड़ेगा क्योंकि फ्यूल नहीं है मेरे पे। अब भाई यहाँ से एक और ख़तरे का काम होता है स्टार्ट, क्योंकि अब मैं सोच रहा था यार कि ना नीचे जाऊँ और वो मार ना दें, क्योंकि पूरी मेहनत मेरी ज़ाया हो जाएगी। मैं ढूंढ रहा था यहाँ से ही कुछ कि मतलब होता है ना कभी बंदा पैनिक हो जाता है, तो फिर मेरे को याद आया कि यार फ्यूल जो है नीचे लेने जाना है। शॉटगन की एमओ भी एक है मेरे पे, अगर दोनों सामने आ गए तो भाई बहुत ही गलत सीन हो जाने वाला है भाई। मैं पहले ही भाई पहले ही पहले अब मैं यहाँ पे पूरा क्लियर करता हूँ कि भाई ग्रैंडपा ना खड़ा हो। बस यहाँ से भी देखता हूँ नहीं है भाई। चलो भाई अब आपका भाई जाएगा नीचे। सो भाई भाई के लिए दुआ करो कि भाई कि नीचे जाके जो है ना कोई गलत ही सीन ना हो जाए, क्योंकि लास्ट डे यार, लास्ट डे है, और ये ना एस्केप ना कर पाऊँ मैं। सो मैं अभी यहाँ पे ना फ्यूल को लेके, एक चीज़ मेरे लिए क्लियर नहीं थी, मुझे पता था अब फ्यूल चाहिए। सो फ्यूल को लेके एक चीज़ ये क्लियर नहीं थी मेरे को, चलो यहाँ से अच्छा हो जाता कि मेरे को शॉटगन एमओ मिल जाती है, लेकिन चीज़ मेरे को ये क्लियर नहीं थी क्योंकि मैंने फ्यूल वहाँ पे उसमें भी भरा था बोर्ड में। सो अब मैं ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा था कि यार अगर मैं वो फ्यूल ले भी आता हूँ क्या मैं स्केप कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने फ्यूल तो वहाँ पर यूज़ कर चुका हूँ। ग्रैनी मेरे पे आ जाती भाई, मैं पहली फुर्सत में ग्रैनी को सुला देता हूँ, जो कि सबसे बेस्ट काम हुआ मेरी नज़र में। यहाँ पे ग्रैंडपा भी आ जाता है, ग्रैंडपा को भी सुला देता हूँ भाई। आप जो है आपका भाई टेंशन फ्री हो जाता है, क्योंकि ये दोनों 2.5 मिनट के लिए सो चुके हैं। सो भाई अब मैंने बोला चलो, ये जब तक अपनी सांसें रोक चुके हैं यहाँ पे, तो भाई मैं अपनी सांस क्लियर करूँ भाई। मैं यहाँ पे गैसोलीन उठा लेता हूँ, गैसोलीन उठा के जो आपका भाई यहाँ से अभी दौड़ लगाने वाला है, सीधा ऊपर की तरफ भागूंगा, कुछ नहीं उठाने वाला, किसी को देखने भी नहीं आना दूर दूर तक। हट ग्रैंड पर साले, मेरा रास्ता रोक रहा है, मरने के बाद भी तेरे को सुकून नहीं है साले। भाई डायरेक्ट ऊपर भागूंगा स्टेयर्स की तरफ, अपना हेलीकॉप्टर स्केप। सो फाइनली यार मेरे को ऐसा फील आ रहा था कि यार मैं जीत गया हूँ, जीत गया हूँ, और डर ऐसा लग रहा था कि ग्रैनी या ग्रैंड पा मेरे पीछे पीछे आ रहा है। सो अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और मेरे को भाई क्या ही फील आ रहा था। अब मैं यहाँ पे देखना चाह रहा था कि कैसे स्केप हुआ। फ्यूल यहाँ पे मेरे को मिल जाता है कि भाई यहाँ से भरना है, पुट करना है इसमें। सो अब इसका फ्यूल फुल होने का इंतज़ार करते हैं, और भाई देखते हैं कि हमसे एस्केप हो पाएगा है कि नहीं। सो अब हम यहाँ पे फ्यूल भी फुल कर चुके हैं, मैं फटाफट हेलीकॉप्टर की उठा लेता हूँ,
जैसे ही यहाँ पे बैठता हूँ तो भाई स्टार्ट बतवाता हूँ तो भाई हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है, जो कि सबसे बेहतरीन काम हुआ। हेलीकॉप्टर स्केप डन हो चुका है आपके भाई का। सो भाई अब यहाँ पे मेरे ख्याल से ग्रैनी और ग्रैंडपा सामने आएंगे मेरे, और भाई आपका बाइक डन कर चुका है स्केप हेलीकॉप्टर से। सो ग्रैनी टू तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो आप लोग बताओ आपके ग्रैनी थ्री में कौन सा स्केप करें। चलो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।